अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान। आज की इस वीडियो में हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड में से एक टॉपिक लेते हैं, दैट इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन हमने फाइंड किया था बाई यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इनहेरिटर ऑपरेटर एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को भी हमने यूज़ किया था। लेकिन अगर कोई ऐसी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सो उसको फिर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, और जो हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के बहुत करीब होता है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली सबसे पहले एक जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, और उससे हम कुछ सेट ऑफ फार्मूलाज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम अगर कोई भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल ना हो, फिर हम न्यूमेरिकल तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सो हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई भी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म ये है, वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। ये आपके पास जो ए बी और डी है ये एक्स के फंक्शन हैं। आपके पास कुछ बाउंड्री कंडीशन भी हैं, आपके पास डोमेन के स्टार्ट और एंड पॉइंट के ऊपर हमें सोल्यूशन गिवन है, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए, इसी तरह वाई ऑफ बी इज इक्वल टू वाई बी। सो बेसिकली फाइनाइट डिफरेंस मेथड का सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि किसी भी ऐसे प्रॉब्लम जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल ना हो, तो हम अगर फाइनाइट डिफरेंस मेथड को यूज करते हैं तो हम अपने डोमेन को जिसमें फंक्शन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस डोमेन को हम इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के ऊपर अगर तो सोल्यूशन गिवन है दैट इज फाइन, तो हम जो बीच वाले नोड्स होते हैं उनके ऊपर हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और वो जो नोड्स होते हैं बेसिकली वो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन के बहुत करीब सोल्यूशन देते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम h किस तरह से डिफाइन करते हैं। h बेसिकली होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय कैपिटल n। b इज द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन एंड a इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डोमेन एंड डिवाइडेड बाय n। एंड बेसिकली हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि आपने अपनी गिवन डोमेन के कितने पार्ट्स करने हैं, ये हम पे डिपेंड करते हैं। सो जितने ज्यादा पार्ट्स करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट सोल्यूशन आएगा। सो आपके पास जो सोल्यूशन की न्यूमेरिकल सोल्यूशन की एक्यूरेसी है वो इंटरवल्स पे डिपेंड करती है कि हम कितना छोटे छोटे इंटरवल्स करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब तरीन आंसर मिले। सो यहाँ पे बेसिकली जब हमने h डिफाइन कर लिया उसके बाद a जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको x नॉट बोलते हैं, उसके बाद जो x1 होता है x नॉट में हम h ऐड करते हैं तो x1 मिलता है, उसके बाद जो x2 अगला नोड होता है उसमें x1 में बेसिकली h ऐड करेंगे, सिमिलरली आप जो अगला x3 होगा उसमें x2 में h ऐड करेंगे एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये जो x नॉट x1 अप टू xn ये सारे पॉइंट्स हैं, ये नोड्स को शो कर रहे हैं। इसका हम जनरल फार्मूला भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो जनरल फॉर्म होती है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच। यहाँ पे आई की वैल्यू आप वन पुट करें, देखें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, मतलब एक्स वन किसके बराबर है, एक्स नॉट प्लस एच। देखें यहाँ हमने यही लिखा था ना, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। सिमिलरली आई की वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा एंड सो ऑन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि सेकंड ऑर्डर है, उसको हम किसी एक जनरल नोड के ऊपर फाइंड कर लेते हैं, एक्स एन के ऊपर हम फाइंड कर लेते हैं। सो एक्स एन के ऊपर हमने इसको फाइंड कर लिया, ये आपके पास एक्स एन, आपके पास सिंपल आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स एन से। देन हम क्या करते हैं कि इस जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको आप अप्रोक्सीमेट कर लें सेंट्रल फार्मूला से, सेंट्रल स्कीम से। सो सिमिलरली आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको आप सेंट्रल स्कीम फॉर सेकंड डेरिवेटिव जो ना अप्रोक्सीमेट कर लें। सो अप्रोक्सीमेट कर लिया, अप्रोक्सीमेट करने के बाद आप इस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी, टू इंटू वाई एन प्लस वन माइनस टू वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन प्लस एच ए ऑफ एक्स एन
मल्टीप्लाई वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन माइनस वन प्लस टू एच स्क्र बी एफ एक्स एन मल्टीप्लाई वाई एन इज इक्वल टू टू एच स्क्र डी एफ एक्स एन। सो अब हम क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं टर्म्स को। सबसे पहले वो वाली टर्म्स जिसमें वाई एन माइनस वन इन्वॉल्व है उसको हमने इलादा कर लिया, देन वो वाली टर्म्स जिसमें वाई एन इन्वॉल्व है उसको हमने इलादा कर लिया, और सिमिलरली वाई एन प्लस वन वाली जो टर्म्स हैं उसको हमने इलादा कर लिया और वाई एन प्लस वन कामन ले लिया, और जो बाकी टर्म्स है उसको हमने राइट हैंड साइड में मूव किया तो टू एच स्क्वायर डी एन आ गया। सो अब हम क्या करते हैं कि एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो देखिए यहाँ पर हमने ए एन लिखा है, ये यहाँ पे ए एफ एक्स एन लिखा हुआ था, यहाँ पे ए एन है, तो बेसिकली ए एफ एक्स एन जो है वो ए एन के बराबर ही होता है। सिमिलरली बी एफ एक्स एन जो है बी एन के बराबर होता है, ये हम अपने अपनी आसानी के लिए इस चीज को सपोज कर लिए, डी एफ एक्स एन जो है वो डी एन के बराबर होता है। अब हमने कुछ नोटेशन यूज करनी है। देखिए वाई एन माइनस वन का जो कोफिशियंट है उसको मैंने ए एन बोल दिया, समाल ए एन। सिमिलरली आपके पास जो वाई एन का कोफिशियंट है उसको मैंने बी एन बोल दिया, और जो वाई एन प्लस वन का कोफिशियंट है उसको मैंने सी एन बोल दिया, और जो राइट हैंड साइड है उसको मैंने टू एच स्क्वायर डी एन जो है उसको मैंने गैमा एन बोल दिया। आपके पास ये जो हमने नोटेशन यूज की हैं, इन नोटेशन को जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए एन वाई एन माइनस वन प्लस बी एन वाई एन प्लस सी एन वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू गैमा एन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। और आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो क्या हो जाएंगी, वाई नॉट इज इक्वल टू वाई ए, सिमिलरली वाई एन इज इक्वल टू वाई बी। बेसिकली ये जो वाई नॉट है, ये जो वाई नॉट है इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वाई ऑफ एक्स नॉट, वाई नॉट को आप वाई ऑफ एक्स नॉट भी कह सकते हैं, जिस तरह आपने ए ऑफ एक्स एन को ए एन बोला है ना, सिमिलरली वाई नॉट को वाई ऑफ एक्स नॉट भी कह सकते हैं, मतलब जो एक्स नॉट नोड है उसके ऊपर वाई की वैल्यू कितनी है, वाई ए। सिमिलरली जो आखिरी नोड है वाई एन इसको आप वाई ऑफ एक्स एन भी बोल सकते हैं, ये वाई बी के बराबर है। सो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसमें एन की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। सो इसको हम देख लेते हैं। अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसमें एन की जगह आप वन पुट करें, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व करके हम जो y अननोन्स हैं वो फाइंड कर सकें। तो n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, देखें यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a1 y0, देखें यहाँ पे लिखें a1 y0 प्लस b1 y1 प्लस c1 y2 इज इक्वल टू गैमा 1। तो आपके पास n की पहली वैल्यू के लिए आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है, सिमिलरली n की दूसरी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एंड सो ऑन। सो आपने n माइनस वन तक जाना है, n की जो वैल्यू है n माइनस वन तक पुट करनी है क्योंकि n पे हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशन गिवन है। सो देखिए यहाँ पे n माइनस वन तक मैं गया हूँ, n की जो आखिरी वैल्यू पुट की है वो n माइनस वन पुट की है। अब आपने क्या करना है कि जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई करना है। आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वाई नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ ए। सो बेसिकली यहाँ पे जो पहली इक्वेशन में वाई नॉट है इसकी जगह आप वाई ए पुट कर सकते हैं, और आपको इस टर्म को राइट हैंड साइड में मूव कर ले तो गैमा वन माइनस ए वन वाई ए हो जाएगा। सिमिलरली आखिरी जो इक्वेशन है उसमें वाई एन की वैल्यू हमें पता है वाई बी के बराबर है, ये वाई एन है, यहाँ पे आप इसकी जगह वाई बी पुट कर दें और इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पे मूव कर लें। सो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास था उसमें क्या चेंजिंग आएगी, सिर्फ पहली इक्वेजन और जो आखिरी इक्वेजन है उसमें चेंजिंग आएगी। देखें जो ए वन वाई नॉट वाली टर्म थी, वाई नॉट की जगह मैंने वाई ए पुट किया है, इसको मैंने राइट हैंड साइड पर मूव किया, बाकी सारी इक्वेजन आपके पास वही है, और लास्ट वाली इक्वेजन में आपके पास जो वाई एन था उसकी जगह मैंने वाई बी पुट किया और उस आखिरी टर्म को मैंने राइट हैंड साइड पर मूव किया था। सो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन आ गया, और इसमें बेसिकली एन माइनस वन इक्वेजन है जो कि लीनियर है, और इसमें आपके पास y1 से लेके देखिए आपके पास ये y1 है y2 है y1 y2 y3, ये आपके पास y1 से लेके yn माइनस वन तक जो अननोन्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं। सो बेसिकली इसको आप सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सो आपके पास ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख लें या एम वाई इज इक्वल टू एस लिख लें आपकी बात है, क्योंकि यहाँ पे अननोन वाई है तो हम वाई यूज करेंगे। सो एम वाई इज इक्वल टू एस कह लें। सो एम बेसिकली कोफिशियंट मैट्रिक्स होगा, वाई आपके पास अननोन मैट्रिक्स होगा जो वाई वन से लेके वाई एन माइनस वन तक होंगे, और एस आपके पास जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स होगा। सो जो कोफिशियंट मैट्रिक्स होगा उसकी एंट्रीज क्या होंगी, बी वन सी वन अगली ये सारी जीरो हो जाएंगी,
सिमिलरली ए टू बी टू सी टू अगली सारी जीरो हो जाएंगी। देखिए हमारे पास ये जो पहली है, पहली एक दो को मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। देखिए बी वन और सी वन कहाँ से आया है, आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बी वन कोफिशेंट है, सी वन कोफिशेंट है, तो बी वन सी वन आ गया। अगले आपके पास जितने भी वाई थ्री के वाई फोर के जो कोफिशेंट है वो सारे जीरो हैं, तो वो सारे जीरो हो जाएंगे। सो बी वन सी वन, ये यहाँ देखें आपके पास बी वन सी वन आ गया, और आपके पास जो अननोन मैट्रिक्स है उसमें वाई वन और वाई टू आना चाहिए, देखिए आ गया वाई वन और वाई टू, और जो राइट हैंड साइड पे गैमा वन माइनस ए वन वाई ए आना चाहिए, देखें आपके पास इस लीनियर इक्वेशन में देखें गैमा वन माइनस ए वन वाई ए है। सो इस तरह से आपने ये सारे जो है ना इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इलादा बन गया, अननोन मैट्रिक्स इलादा बन गया, और जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है देखें ये गैमा वन माइनस ए वन वाई ए, गैमा टू, गैमा थ्री एंड सो ऑन, और लास्ट पर देखें हमारे पास गैमा एन माइनस टू और गैमा एन माइनस वन माइनस सी एन माइनस वन वाई बी। सो बेसिकली आपके पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपके पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना, उसके बाद ये आपके पास अननोन मैट्रिक्स बना वाई वन से लेके वाई एन माइनस वन तक, और उसके बाद ये आपके पास जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है वो एस मैट्रिक्स है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए हमारे पास विद द एजम्पशन दैट मैट्रिक्स एम इज नॉन सिंगुलर, हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स एम है वो नॉन सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन थ्री कैन बी सॉल्व बाय अ नंबर ऑफ टेक्निक, थ्री कौन सी है बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास जो है ना ये जिसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, तो इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एम इनवर्स एस, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पे बेशक क्रैमर रूल यूज कर लें, आप इस पे एचलन रिड्यूस एचलन फॉर्म यूज कर लें, आप कोई सा भी मेथड यूज कर लें, गॉस जॉर्डन मेथड यूज कर लें, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, जेकोबी मेथड यूज कर लें, गॉस सीरियल आइटरेटिव मेथड यूज कर लें, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ टेक्निक से, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एल यू डीकम्पोजिशन यूज करते हैं जो कि बहुत एफिशिएंट है। Here we discuss a very efficient technique, namely the LU factorization या LU decomposition. आपने करना क्या है कि आपने जो आपका coefficient matrix है आपने उसको L और U में divide करना है, lower triangular matrix में और upper triangular matrix में divide करना है। So इसको मैंने equation number 4 बोल दिया। So basically lower triangular matrix की जो entries होंगी वो क्या होंगी, beta 1, beta 2, beta 3 and so on, beta n minus 1. यहाँ पे a2, a3, an minus 1, an minus 2. So, यहाँ पे ए एन माइनस वन आना चाहिए, ये आपके पास जो लास्ट वाली एंट्री है ये ए एन माइनस वन है, ये जो लास्ट वाली एंट्री है आई थिंक सो, इसको हम चेक भी कर लेते हैं, शायद हमसे लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो। जी देखें ये ए एन माइनस वन है तो यहाँ पे ए एन माइनस वन आता है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना उसकी ये वाली फॉर्म होगी, डायगनल के ऊपर तो एंट्रीज वैसे भी जीरो होंगी, ये डायगनल के ऊपर जो एंट्रीज हैं हमारे पास ये कौन सी एंट्रीज हैं, बेसिकली हम अपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखते हैं। देखिए आपके पास ये जो बी वन बी टू बी थ्री ये सारी एंट्रीज हैं, बी एन माइनस वन इसको हमने बीटा कह दिया, बीटा वन बीटा टू ये हमने फाइंड करनी है, ऊपर वाली तो वैसे भी सारी जीरो होंगी। ये ए टू है तो इसको ए टू ए थ्री सारी एंट्रीज इसको हमने क्या बोला है देखें जरा, इसको हमने ये ऐसे ही रहा है ए टू ए थ्री ऐसे ही रहा है ए एन माइनस वन तक, नीचे वाली एंट्रीज तो वैसे भी आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स में भी जीरो है। सो बेसिकली आपके पास ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह का होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसके डायगनल पे वन वन होगा, नीचे तो वैसे ही एंट्री जीरो होती हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ऊपर जो एंट्रीज होंगी वो वैसे सी वन सी टू एस सो वन है, तो हमने उसको गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री और गैमा एन माइनस वन गैमा एन माइनस टू तक इसको डिनोट कर दिया है। अब बेसिकली हमने एल और यू की हर एंट्री को फाइंड करना है, बीटा वन बीटा टू और गैमा वन गैमा टू ये सारी एंट्रीज हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, टू फाइंड द अननोन्स बीटा आई फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन ओनली गैमा जे एंड गैमा जे जे फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन माइनस टू वी विल यूज इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर कौन सी थी, एम इज इक्वल टू एल यू, ये इक्वेशन नंबर फोर थी। अच्छा हमने ये जो एंट्रीज फाइंड करनी है बीटा और गैमा की, कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ फार्मूलाज अभी कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में जब एल यू डिकम्पोजिशन यूजिंग क्राउट्स मेथड किया था तो उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को किस तरह से एल यू में डिवाइड करते हैं।
बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सपोज किया है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आप जनरल फॉर्म आपके सामने रखी है, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है और ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये एम आपके पास इस इक्वेशन को यूज़ करना है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एल और यू को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद आपने जो लेफ्ट साइड पे एम मैट्रिक्स लिखा है जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। ईच एंट्री, ईच करस्पॉन्डिंग एंट्री आपने कंपेयर करनी है। कंपेयर करते हैं, ज़रा देखें। वहाँ पे उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था और वहाँ पे हमने फार्मूलाज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए थे। यहाँ पर भी हम दोबारा से देख लेते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सबसे पहले देखें, बीटा वन इज इक्वल टू बी वन लिखा हुआ है, मतलब जो बीटा वन हमारे पास होगा वो बी वन के बराबर होगा। ये कहाँ से हमें पता चला? देखें, आपके पास इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ज़रा इसका साइज कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बीटा वन आपके पास पहली रो है जिसमें सिर्फ बीटा वन पहली एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो है। बीटा वन इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपल बीटा वन आएगा, मतलब एल यू जो मैट्रिक्स होगा, एल यू मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स, उसमें पहली एंट्री बीटा वन होगी। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो एम मैट्रिक्स है जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसकी जो पहली एंट्री होगी वो कौन सी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एम जो मैट्रिक्स है उसकी पहली एंट्री देखें बी वन है। सो बीटा वन इज इक्वल टू बी वन। आपने कंपेरिजन किया तो बीटा वन की वैल्यू कैसे आएगी? बी वन, जो बी वन की वैल्यू होगी वही बीटा वन होगा। सिमिलरली आपके पास अब हमने मल्टीप्लाई करना है पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? बीटा वन को गैमा वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? बीटा वन गैमा वन। अब क्योंकि अगली सारी एंट्री जीरो है तो ये सारी जीरो हो जाएगी। हमें क्या मिला? बीटा वन गैमा वन। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला बीटा वन गैमा वन। और मतलब क्या हुआ कि एल यू जो मैट्रिक्स है उसकी जो दूसरी एंट्री है वो क्या है? बीटा वन गैमा वन। अब आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी दूसरी एंट्री हम देखते हैं वो क्या है। देखिए, दूसरी एंट्री सी वन है। इसको हम कंपेरिजन करेंगे तो बीटा वन गैमा वन इज इक्वल टू सी वन होगा, और यहां से गैमा वन कितना आएगा? सी वन डिवाइडेड बाई बीटा वन। यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए जो फार्मूला हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीटा वन गैमा वन इज इक्वल टू सी वन आ गया। बीटा वन हमने फाइंड किया हुआ है पहले स्टेप में, तो गैमा वन कितना आएगा? यहाँ से गैमा वन कितना आएगा देख लें जरा। बीटा वन की वैल्यू बी वन पुट कर दें, या अभी आप ना पुट करें, बाद में पुट कर दीजिएगा। गैमा वन कितना आया? सी वन डिवाइडेड बाय बीटा वन। आपके पास जो गैमा वन का फार्मूला बनता है वो क्या होगा? सी वन डिवाइडेड बाय बीटा वन, और बीटा वन की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? बी वन होती है। ये उसकी जनरल फॉर्म है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि ये जो स्टेप टू नंबर टू में फार्मूला हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये कैसे आया है। देखिए, हमने इस पेज नंबर फोर को यूज करना है। एल यू जो दो मैट्रिक्स हैं इनकी जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इस बार किस किस को मल्टीप्लाई करना है वो भी देख लें आप जरा। आपने दूसरे रो को और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट जो एल यू मैट्रिक्स होगा उसकी ये वाली पोजीशन बनेगी जहां पे वन लिखा हुआ है। इस पोजीशन को आपने एम मैट्रिक्स की इसी पोजीशन के साथ कंपेयर करना है। तो देखें, यहाँ पे ए टू गैमा वन प्लस बीटा टू, ए टू गैमा वन प्लस बीटा टू किसके बराबर होगा? एम मैट्रिक्स के अंदर बी टू के बराबर होगा। इस पोजीशन के ऊपर हमने वो एलिमेंट फाइंड किया ना एल यू मैट्रिक्स के अंदर। ए टू गैमा वन प्लस बीटा टू यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। देखें, ए टू गैमा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू बी टू। गैमा वन की वैल्यू हमने स्टेप नंबर वन में फाइंड की है, सी वन और बी वन होती है। यहाँ पे पुट करें। बीटा टू हमने किस तरह से फाइंड करेंगे? बी टू माइनस ए टू इंटू सी वन ओवर बी वन। आप इसका एलसीएम लें तो बीटा टू किसके बराबर होगा? यहाँ पे बी टू माइनस ए टू गैमा वन। इस तरह से हमने बीटा टू की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप गैमा टू की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं फार्मूलाज को जब हम जनरलाइज करते हैं, आपने क्या करना है कि जब भी किसी सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपने इन्हीं फार्मूलाज को जनरलाइज कर देना है और इन्हीं फार्मूलाज को यूज करना है। जरूरी नहीं है कि आप जो गिवन सिस्टम होगा, जो गिवन सॉरी आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको एल और यू में डिवाइड करें, ये सारी टर्म्स अलग अलग फाइंड करें। आपने सिंपल क्या करना है, इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है।
सो आप देखिए, आपके पास कुछ कंपैरिजन हम करते हैं। गैमा वन किसके बराबर है? सी वन ओवर बी वन। गैमा टू किसके बराबर है? सी टू ओवर बी टू। तो आपके पास आखिरी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? गैमा एन इज इक्वल टू सी एन ओवर बी एन। ये जनरल फार्मूला बन जाएगा गैमा के लिए। सो बीटा के लिए भी आप इस तरह का कुछ जनरल फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बीटा टू किसके बराबर है? बी टू माइनस ए टू गैमा वन। यहाँ पे किसके बराबर है स्टेप नंबर थ्री में? उसको भी देख लें जरा आप। स्टेप नंबर थ्री में बीटा थ्री किसके बराबर है? बी थ्री माइनस ए थ्री गैमा टू। सो यहाँ पे आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास बी टू बीटा टू इज इक्वल टू बी टू माइनस ए टू गैमा वन था, यहाँ पे बीटा थ्री इज इक्वल टू बी थ्री माइनस ए थ्री गैमा टू है। तो इसका जो जनरल फार्मूला बन जाएगा वो किसके बराबर होगा देख लें जरा आप यहाँ पे, क्योंकि हमने एन माइनस वन आखिरी हमारी एन माइनस वन इक्वेशन है। तो आपके पास ये इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा, बीटा एन माइनस वन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस वन गैमा एन माइनस टू। नो द मैट्रिसेस एल एंड यू आर फुली रेडी। अब हमने ये सारी जो बीटाज और गैमा से मैट्रिक्स एल और यू के अंदर वो हमने सारे फाइंड कर लिए हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि एल यू डिकम्पोजिशन को यूज कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फोर थी वो क्या थी? एम वाई इज इक्वल टू एस। ये इक्वेशन नंबर फोर थी, एम वाई इज इक्वल टू एस। एम को हमने डिकम्पोज कर दिया एल और यू में, एल यू वाई इज इक्वल टू एस हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो यू वाई है इसको आप जेड सपोज कर लें, यू वाई इज इक्वल टू जेड, इसको इक्वेशन नंबर सिक्स कह दें। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें यू वाई की जगह आप जेड पुट कर सकते हैं, पुट करें एल जेड इज इक्वल टू एस हो जाएगा, एल जेड इज इक्वल टू एस, इसको क्वेश्चन नंबर सेवन कह दिया। अब आपके पास जो लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है वो ये वाला था, इसमें हमने बीटास बी वन से लेके बी एन माइनस वन तक फाइंड कर ली है, ये ए टू ए थ्री आपके पास गिवन होंगे। सो इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखें, साठ जो जेड हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि अननोन मैट्रिक्स है, जेड वन से लेके जेड एन माइनस वन तक इक्वेशन है तो उतने ही अननोन होंगे, इज इक्वल टू एस हमारे पास क्या होगा, एस वन से लेके एस एन माइनस वन तक। सो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जेड फाइंड करने हैं, ये आपके पास जो जीज हैं ये फाइंड करने हैं। जेड फाइंड हो जाएंगे तो उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स में। यू आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज हमने फाइंड कर ली हैं, यू भी है, जेड भी हमने फाइंड कर लेना है यहाँ से, तो वाई हमारे पास इजिली आ जाएगा। जो जेड के फार्मूलाज हैं देखिए हमने वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं। देखिए बीटा वन पहली इक्वेशन को, इसको आप आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है इसको आप जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, पहली इक्वेशन को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कॉलम है यहाँ पे। सो बीटा वन इंटू जेड वन इज इक्वल टू एस वन होगा, बीटा वन इंटू जेड वन इज इक्वल टू एस वन होगा, और यहाँ से जेड वन कितना आएगा, एस वन और बीटा वन। सिमिलरली आप बाकी इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला जो बनेगा ये आपने याद रख लेना है, जेड एन इज इक्वल टू एस एन माइनस ए एन जेड एन माइनस वन ओवर बीटा एन, और एन कहाँ से स्टार्ट करना है, टू से स्टार्ट करना है, टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। सो क्योंकि यहाँ पर हमने जेड वन की वैल्यू फाइंड कर लिया तो यहाँ पे एन हम टू से स्टार्ट करेंगे तो जेड टू जेड थ्री एंड सो ऑन आएगा। नो द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर सिक्स इज नोन। आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर सिक्स कौन सी है, ये वाली है ना, जेड हमारे पास आ गया, यू हमारे पास पहले ही था तो हम यहाँ से वाई फाइंड कर सकते हैं। सो उसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होगी इक्वेशन नंबर सिक्स की वो क्या होगी देखें जरा, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमने गैमा वन से गैमा एन माइनस टू उन फार्मूला से फाइंड कर लिया होगा। सो यहाँ पे वाई वन से वाई एन माइनस वन अननोन्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास जेड वन से जेड एन माइनस वन हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया है। इस तरह से हम वाइज फाइंड कर लेंगे। इस मेथड का ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन जब आपको हम एक स्पेशल किस्म की या कोई भी हम एग्जांपल करेंगे ना तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये कितने आसान है। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, एल्गोरिदम देख लें आप, ये आपके पास जो फाइनाइट डिफरेंस मेथड को हम यूज करते जा रहे हैं और इसमें हम एल यू डिकम्पोजिशन को भी इंप्लीमेंट करते हैं फॉर एनी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और हम इंटरेस्टेड हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने में। इसका एल्गोरिथम क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है पॉइंट नंबर वन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू इट्स फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म वन टू आइडेंटिफाई ए एन बी एन सी एन एंड गैमा एन। बेसिकली आपके पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसमें वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव जो भी होगा उसको आपने अप्रोक्सीमेट करना है, और आपके पास अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपने सिंपली ए एन बी एन सी एन और गैमा एन को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। अप्रोक्सीमेट करने का क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपके पास लेट सपोज कोई भी एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
सो इसको अप्रोक्सीमेट करने का क्या मतलब है कि आपने इसमें वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम, या इसमें अगर वाई डबल प्राइम सिर्फ हुआ तो आपने उसको अप्रोक्सीमेट करना है इन फार्मूला से। देखिए हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने सेंट्रल स्कीम से अप्रोक्सीमेट कर लिया, सेकेंड डेरिवेटिव को हमने सेंट्रल स्कीम फॉर सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट कर लिया, आपने अप्रोक्सीमेट करना है। सो अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें ए एन बी एन और सी एन मिल जाएगा और गैमा एन भी मिल जाएगा। आपने बेसिकली इन फार्मूलाज को याद रखना है, ये जो ए एन है, बी एन है, सी एन है और गैमा एन, आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है। सो आपने जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपने उसमें ये वाले स्टेप्स नहीं करने होंगे, आप इसकी फिक्र नहीं करें, आपने इन स्टेप्स को नहीं करना, आपने जस्ट ये फार्मूलाज याद रखने हैं ए एन बी एन सी एन गैमा एन, क्योंकि हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो सेकंड ऑर्डर उसको जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आपके पास यही वाली फॉर्म बनेगी, फॉर्म यही वाली बनेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि ये ए एन बी एन और डी एन क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ये ए एन बी एन और डी एन क्या है और एच हमने कितना यूज किया है। सो इन ए एन बी एन डी एन और एच की वैल्यू से हर प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पे आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है, इन चारों फार्मूलाज को, ए एन किसके बराबर है 2 माइनस एच ए एन कैपिटल ए एन, सो बी एन किसके बराबर है 2 एच स्क्वायर बी एन माइनस 4, और सी एन किसके बराबर है 2 प्लस एच ए एन, और गैमा एन किसके बराबर है 2 एच स्क्वायर डी एन। सो बेसिकली ये ए बी और डी कहाँ से आएंगे, आपके पास कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम गिवन हो आपने सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है आपने कि ये जो वाई डबल प्राइम का कोफिशियंट है ये 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे जो वाई प्राइम होगा उसका कोफिशियंट ए होगा, वाई का कोफिशियंट बी होगा, और जो राइट हैंड साइड पर टर्म होगी वो डी होगा। इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज लिख लेनी है। अब हम एल्गोरिथम पे जाते हैं। ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आपने कंप्यूट करना है बीटा 1 से लेके बीटा एन माइनस 1 तक जो आपके पास अननोन्स हैं फ्रॉम लोअर मैट्रिक्स, और गैमा 1 से लेके गैमा एन माइनस 2 तक आपने फाइंड करने हैं जो कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास अननोन्स हैं। फार्मूलाज आपने किन को यूज करने हैं, ये फार्मूलाज हैं बीटा 1 इज इक्वल टू बी 1, गैमा 1 इज इक्वल टू सी 1 ओवर बी 1, और इसको आप जनरलाइज अगर करें तो आपके पास ये जनरल फार्मूला है, गैमा एन इज इक्वल टू सी एन ओवर बी एन, सिमिलरली बीटा एन इज इक्वल टू बी एन माइनस ए एन गैमा एन माइनस 1। ये आपके पास वो एन कहाँ से स्टार्ट होगा वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने गैमा 1 तो फाइंड कर लिया है, तो इस फार्मूला में एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, तब हम गैमा 2 फाइंड करेंगे, गैमा 3 एंड सो ऑन। और सिमिलरली जो बीटा एन है बीटा 1 तो हमने फाइंड कर लिया, तो बीटा एन के इस फार्मूले में आप एन 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि बीटा 2 की वैल्यू आए, बीटा 1 तो हमारे पास है ना। सो इस तरह से आपने ये फाइंड करने हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, यूजिंग 8 कंप्यूट जेड 1 जेड 2 एंड जेड एन माइनस 1। 8 क्या है उसको भी हम देख लेते हैं, 8 को भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज 8। फोर सेवन, सो हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास 8 है। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने जो z अननोन्स है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 4 में आपने z की वैल्यूज को यूज करते हुए यूजिंग 9 को यूज करते हुए आपने ये वाई वन से लेके वाई एन माइनस 1 तक अननोन फाइंड करने हैं। अब हम 9 को भी देख लेते हैं, व्हाट इज 9। देखिए आपके पास ये आपके पास 9 के फार्मूलेज हैं वाइज के लिए। इन फार्मूलाज को यूज करके भी आप बेसिकली ये फार्मूलाज कहाँ से बने हैं इसको भी आप देख लें एक दफा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो वाई वन प्लस गैमा वन वाई टू बना। वाई वन हम इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको हम बैकवर्ड मूव करते हैं ताकि हम फार्मूला को इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकें। जो आखिरी आपके पास रो है इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, वाई एन माइनस 1, क्योंकि ये पहले सारे तो जीरो हैं तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड एन माइनस 1। ये आपके पास पहला फार्मूला बन गया। अब इससे पहले वाली जो रो है इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा वाई एन माइनस 2 से वाई एन माइनस 2 प्लस गैमा एन माइनस 2 इंटू वाई एन माइनस 1। देखें यहां पे लिख लिया मैंने, उसके बाद राइट साइड पे क्या आएगा, जेड एन माइनस 2। जेड एन माइनस 2 यहां पे देखें आप, अब हमने जेड एन माइनस 2 को रिप्लेस कर दिया, एन माइनस 2 को हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एन से, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा।
सो बेसिकली हमने ये फार्मूलाज भी इधर से ही कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो फार्मूलाज जिनको हमने 9 बोला है। सो इस तरह से आपने इस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। और हमने कोई भी, हमारे पास है कि डाटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो उसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मैथड। आई होप सो आपको ये जो बहुत लंबी सी डिस्कशन थी ये पसंद आई होगी, और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है वो आपके सामने रखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।